झारखंड में अभी एक कमजोर सरकार है। अगर लीडरशिप कमजोर होगा तो सारी मुसीबत अपने आप आ जाएगी और सारे विकास के काम ठप। और जब कमजोर सरकार होती है तो भूमि माफिया, अवैध जंगल की कटाई, अवैध खनन जो सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त होते हैं, यही झारखंड में चल रहा है। कमजोर सरकार, अक्षम मुख्यमंत्री रहने के कारण जो सरकार लोगों को बड़े बड़े सौभाग्य दिखाकर जल जंगल जमीन अबुआ राज एक साल में दो साल में 5 लाख को सरकारी नौकरी, 3 महीने में 1932 का खतियान एक भी वादी सरकार ने नहीं पूरा किया। तो आज राज्य की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, चाहे वो बेरोजगार नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और राज्य की जनता में काफ़ी आक्रोश है और ये आक्रोश अभी रामगढ़ के उपचुनाव में जनता ने बताया कि राज्य की जनता कितना आक्रोश है इस सरकार से। सर, छात्रों के लिए कोई संदेश? सर, छात्र चूंकि काफ़ी परेशान है नियोजन नीति को लेकर। नहीं, देखिए 14 वर्ष के बाद पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने 2015 में नियोजन नीति बनाई थी और उस नियोजन नीति में पहली बार राज्य गठन के बाद अनेक 14 वर्ष में अनेक आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने जनजाति भाषा जो 9 भाषा हमारा संथाली, मुंडारी, मुंडा हो, खोटा, कुरमाली, कुड़ुक, किसी ने राज कर्मचारी चयन और स्थित परीक्षा नियमावली में किसी ने शामिल नहीं की थी। हमने पहली बार 2014 में 9 जनजाति भाषा के साथ जो द्वितीय राजभाषा है, जो उर्दू, बंगला, उड़िया को भी जोड़ने का काम किया। और फिर जब बाद में भोजपुरी, मंगिका, अंगिका को हमने द्वितीय राजभाषा घोषित किया, स्वतः अभी आ गया। और उसके आधार पर हमने 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी थी, चाहे इसमें टीचर की 32,000 की बहाली हो, 8,000 सिपाही की बहाली हो, 2200 दरोगा की बहाली हो, 2200 वनरक्षी की बहाली हो, अनेक बहालियाँ उसी नियोजन नीति के द्वारा हुई थी। और 2016 में हमने स्थानीय नीति परिभाषित की थी, उस स्थानीय नीति में था जिसके पास खतियान होगा वो स्थानीय कहलाएगा। दूसरा उसमें क्लाउज था जो 1985 से झारखंड में रह रहे हैं सभी झारखंडी, क्योंकि अविभाजित बिहार से ही हमारा झारखंड अलग हुआ। तो जो बरसों से हमारे, चाहे वो बिहार के रहने वाले हो, यूपी के हो, किसी राज्य के, और भारत का संविधान कहता कि देश का कोई भी नागरिक कहीं भी रोजी रोजगार करके बस सकता है, तो जो लोग बरसों से इस झारखंड में रह रहे हैं इसको ध्यान में रखकर और हाईकोर्ट के इसी खतियान के आधार पर जो बाबूलाल जी ने किया था जिसमें डोमेसाइल, जिसमें 6 लोग की जान गई थी, तो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया था, सुझाव दिया था। तो हाईकोर्ट के सुझाव, सर्वदलीय बैठक, सरना समिति के साथ बैठक करके हमने 1985 का कट ऑफ डेट रखा था और 4 साल तक आपने देखा ना कोई कोर्ट कचहरी हुआ, ना कोई आंदोलन हुआ और लाखों लोग को रोजगार मिला। ये सरकार आने के साथ 1932 का खतियान 3 महीने में नहीं किया और अभी तक नहीं किया। इसने क्या किया, भाषा विवाद खड़ा किया और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को हटा दिया, उर्दू भाषा को रखा। ये जो तुष्टिकरण के राजनीति के कारण इसने उस नियोजन नीति को भी भाषा के आधार पर उलझा के, लटका के, और जिसका परिणाम स्वरूप मामला कोर्ट गया, निरस्त कर दिया। और अभी आपने देखा 2 दिन पहले ही फिर उसी को थूक के चाटा है। 2015 में जो हमने नियोजन नीति बनाई थी उसमें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश को जोड़ा। दूसरा उसने अभी कर दिया है वैकेंसी 60%। 60% हेमंत सोरेन नहीं दे रहा, 50% देश का संविधान जो हर राज्य में लागू है, और 10% देश की आज़ादी के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सामान्य वर्ग के, जो उच्च जाति के लोग में भी गरीब है, तो उन गरीब को आर्थिक दृष्टिकोण से 10% आरक्षण देने का काम किया। एक अंतिम प्रश्न पर सुनो, पूरा सुप्रश्न सुनो, अभी 40% पर यह सरकार अभी भी मौन है।
तो ये सरकार क्या 40% में बाहर के लोगों को नियुक्ति देगी? यही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे हाउस में डिमांड कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्पष्ट करे कि आप, हम जब नौकरी दे रहे हैं तो बाहरियों कर रहे थे, अभी आप क्या कर रहे हैं? ये राज्य की जनता का जानने का हक है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए 40% नियुक्ति का बाहरियों को देंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।